का प्लान बनाया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक नौशाद और उसके साथ पकड़े गए जगजीत को टारगेट पूरा करने के एवज में 6 लाख रुपए भी भेजे गए थे। ये रकम बिहार और कतर से इन लोगों तक पहुंची थी। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो बड़े टारगेट के लिए इन्हें हथियार भी सीमा पार से मिलने वाले थे। 12 जनवरी को पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके से नौशाद और जगजीत को पकड़ा था। दोनों भलसवा डेयरी के पास एक घर में किराए पर रह रहे थे। दोनों से पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने घर में छापेमारी की और 2 हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल और गोलियां बरामद की। इतना ही नहीं, पुलिस को इस घर में खून के निशान भी मिले थे। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है और इनके पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दाफाश किया जा रहा है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पुलिस ने जिन 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है उनसे पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। स्पेशल सेल इनके नेटवर्क से जुड़े 4 और संदिग्धों की तलाश में इस वक्त जुटी हुई है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं ने ड्रॉप डेड मेथड से इनके पास हथियार पहुंचाए थे। और सूत्रों की माने तो आतंकियों के इस नेटवर्क में करीब 8 लोग और शामिल थे, जिनमें से 4 अभी भी भारत में ही मौजूद हैं। तो 26 जनवरी से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने तलाशी अभियान भी तेज कर दिया है। 26 जनवरी के माहौल में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबन है। इस वक्त देख सकते हैं गाड़ियां यहां पर आती हैं तो उन्हें चेक करके भेजा जाता है वापस, क्योंकि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबन करने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं। किसी भी संदिग्ध के बारे में अगर कोई जानकारी मिले तो इसको लेकर पूरी तरह से लोगों के जिस तरह से आई कार्ड चेक होते हैं, उसके अलावा जो गाड़ियां अगर अवैध आती हैं तो उनको देखा जाता है। कोई भी पुलिसकर्मी हो या कोई डिफेंस से रिलेटेड हो, उन सभी के यहाँ पर दस्तावेज चेक किए जाते हैं, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की परमिशन दी जाती है। क्योंकि 26 जनवरी के मौके पर खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कर्तव्य पथ पर किसी तरह की ढील ना हो, इसको लेकर यहाँ पर ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि जो 26 जनवरी का मौका होता है उस दौरान कई आतंकी गतिविधियां सक्रिय हो जाती हैं, धमकियां दी जाती हैं, और इसको लेकर जो पूरा कर्तव्य पथ है वहां पर आप पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को देख सकते हैं। और पूरी तरह से ये अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर पुलिस फोर्स का है और ये सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है, ताकि किसी तरह से भी जो सक्रियता किसी भी आतंकी गतिविधि को यहाँ पर पनपने ना दिया जाए और हर किसी की चेकिंग करने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जाता है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दूसरे दिन भी जारी, बैठक में